चलो कल के होमवर्क प्रॉब्लम को एक बार देख लो बेटा आंसर। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊं, तुम मुझे बताओगे? ओके, जैसे तुम बोलो वैसे। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था बेटा? 4 and 5, वेरी गुड रसगुल्ला। चलो बेटा, मतलब छिजे नले बाबू, नीचे बैठ, मंचूरियन दिख रहा है तेरा ऊपर का। नूडल्स ध्यान दे अभी इधर। नाउ माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ ही ना, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री यू डू? कैश टू कैपिटल। जिन्होंने माधव्स कैपिटल लिखा वो भी सही है, कैश टू कैपिटल। अरे चल रहे है, कैश टू कैपिटल। सही है, नेक्स्ट एंट्री बोलो। परचेज टू अतुल, परचेज टू अतुल, वेरी गुड, ये भी एंट्री सही गई। फिर ड्रॉइंग्स टू कैश, इतना प्यारा बच्चा है, माधव्स ड्रॉइंग इज ऑल्सो द राइट वर्ड। नेक्स्ट तुल टू कैश, तुल टू कैश, ओके अतुल टू कैश। अच्छा उसके बाद में परचेज टू कैश, अच्छा उसके बाद में क्या है बेटा? कैश टू कैपिटल, बराबर है। एंड व्हाट इज द लास्ट एंट्री फ्रेंड्स? परचेज टू अतुल। इंग्लिश मैडम एब्सेंट क्यों थी आप? किसको पूछ के गई थी? इज इट यस्टरडे वाज हॉलिडे, तो कल क्यों नहीं आई फिर? नलायक, राइट इट डाउन ऑन योर फेस एंड वॉच इट इन मिरर। ओके यू आर गोइंग टू डू इट, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। परचेज टू अतुल, हैव यू डन दिस? ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, करके आयो ना? यस सर। इसकी लेजर हम आज सीखेंगे, लेजर पोस्टिंग, सो नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपकी सेवा में। छोकरी बता पहला वाला, कैश टू कैपिटल। अरे जा रही पुड़े, नहीं करने का उनको, चल कैश टू आर्स कैपिटल, एग्रीड। चलो अगली एंट्री बताओ, बैंक टू, सभी को आया क्या? बैंक टू कैश, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मैं आपको कैश बुक में वापस सिखाऊंगा, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक टू कैश, व्हेन आई डिपॉजिट माय मनी, सो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव्स द मनी, टू व्हाट? कैश, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश गोज आउट। सो व्हेन यू डिपॉजिट मनी, कैश कम हो जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, से यस। ये रहा बैंक टू कैश, बैंक ऑफ बड़ौदा टू कैश। नेक्स्ट स्टेशनरी टू, कितना प्यारा बच्चा है ये, नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, स्टेशनरी टू कैश। नेक्स्ट आइटम प्लीज, परचेज टू मीरा सेल्स कॉर्पोरेशन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, एग्रीड? क्रेडिट सेल्स नहीं, क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन, डन। कैन आई हैव द नेक्स्ट आइटम प्लीज? मशीनरी टू कैश, 750, 750, कैश टू सेल्स, 550, 550, से यस। कैन आई हैव द नेक्स्ट आइटम प्लीज? सैलरी टू कैश, कैन आई हैव द नेक्स्ट आइटम प्लीज? बैंक टू, बैंक टू कैश। बेटा ये क्या हुआ, अगेन डिपॉजिट है क्या? दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक टू कैश, एग्रीड। होमवर्क नहीं करके दाढ़ी, दाढ़ी मुझे होमवर्क करके आयो, सोटका नहीं करके, लाओ भेजो इधर बुक करके। ठीक, व्हाट्स योर गुड नेम ब्रदर? अब्दुल साहब, ठीक है गुड, कंग्रेचुलेशंस। बैंक ऑफ इंडिया है क्या? बड़ौदा कहाँ से? ए बैंक ऑफ इंडिया है रे, बैंक ऑफ इंडिया, वही लिखा था, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश। चलो अगला आइटम बताओ, अगली एंट्री,
कैश टू कमीशन, किसी ने महेश को बीच में घुसेड़ा क्या? काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। कैश टू कमीशन, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स टू कैश, और झंडूबाम पेड टू मीरा सेल्स कॉर्पोरेशन 1000 बाय चेक। चेक मतलब कैश नहीं जाती, क्या जाता है? बैंक से पैसा जाता है। तो क्या एंट्री होगी? मीरा सेल्स कॉर्पोरेशन टू बैंक ऑफ बड़ौदा। से यस, यस। इसमें आई हैव टू टीच यू टुडे टू कॉन्ट्रा एंट्रीज, बट आई विल बी डूइंग दोस टू कॉन्ट्रा एंट्रीज वंस आई एम टीचिंग यू कैश बुक। तो कैश बुक के वक्त हम ये दो कॉन्ट्रा एंट्रीज कहां पे डालेंगे? कहां पे डालेंगे? हमारे वो इन्वेंट्री ऑफ जर्नल एंट्रीज। मैंने आपको कुछ पूछना है, पूछूं? मुझे वो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री याद नहीं आ रही यार, मैं भूल जा रहा हूं। जोर से बोलो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? पार्टी। तो डिस्काउंट अलाउड ये एक्सपेंस होता है, इसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड को कौन सा बैलेंस होता है? क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो क्या? वो पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जब मैंने कहा पार्टी अकाउंट डेबिट विच अमाउंट? ग्रॉस। एग्रीड। टू कैश नेट टू डिस्काउंट रिसीव्ड द डिस्काउंट अमाउंट। से यस, यस। कल आपने कोई वो जर्नल एंट्रीज रिवाइज की? आज मैं आपको उसके कुछ स्पेशल पार्ट बताऊंगा, राइट? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेड पार्ट फीस? ओके, सो इफ यू हैव पेड पार्ट फीस, डज दैट मीन कि तुम्हें बाकी का पैसा डिस्काउंट में मिल गया? कौन है? यस। कैसी खरबूजे है रे, कहां से ये? देर आर थ्री कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेन यू पे लेस। ये पीछे वाले बच्चे आ गया, तेरा ध्यान नहीं, आ गया इधर ऐसे करके बैठा, आ गया। कब से देख रहा हूं तेरे को, किधर जाके आ रहा है, किधर घूम के आ रहा है? हाँ, अरे बिना वीजा के बहुत जगह घूम के आ गया तू, अभी पता नहीं किसके साथ जाके आया और पता नहीं। आ जा, आ जा बेटा। सीए क्यों कर रहा है तू? सीए क्यों कर रहा है? गुटे खेलते खेलते बोर हो गया क्या? कृतिक अंदर घुसो, बैग को नीचे रखो, इसको बिठा देंगे ना, उसमें क्या तकलीफ है? कहां बैठेगा? अच्छा ठीक है, वहां पे बैठ जा। और खरबूजे याद रख लियो, जो मस्ती की तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं तेरे को। So I am teaching you, when you pay less amount, there are three scenarios when you pay less amount. There are three scenarios when you pay less amount to a person. One is, there is a part payment. Part payment doesn't involve any discount. तो इसको वर्डिंग में कैसे लिखा जाता है? अकाउंट्स कैसे रेफर करता है? अकाउंट्स उसको रेफर करता है, अरे डोकरी सीधी बैठना, ऑन अकाउंट ऑफ। देखो, जब हम पार्ट पेमेंट करते हैं तो उसको वर्डिंग कैसे यूज होती है अकाउंट्स में? द वर्डिंग यूज वॉज कि पेड टू आनंद ऑन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आनंद को देने थे 10,000, यू पेड 9,000, बट अगर वर्डिंग ऐसे लिखी पेड टू आनंद रुपीज 9,000 ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मीन्स रिमेनिंग 1,000 इज नॉट डिस्काउंट। दे आर ट्राइंग टू टेल यू 9,000 इज अ पार्ट पेमेंट। Do you understand how do you identify part payment? When somebody says amount is paid on account, do you get my point? Yes. So that is part payment. Next, wording essay paid to Anand in full settlement. Absolutely right. In that case, you have settled the account. How much? 1,000 rupees in full settlement of 10,000, 1,000 is discount. In other words, when the word is used settlement, it turns out to what? Discount. Agreed? Then when I say not recoverable, so that turns out to what, my dear friends? Bad debts. Matlab abhi entry dekho. Tino case mein Anand ko 9,000 rupees mil rahe. How Anand will make the entry? In all the three cases, Anand is receiving 9,000 from Raman. So my entry is cash account debit 9,000 to Raman 9,000. No other entry. Why sir? Mila to 9,000, but yahan par word hai beta part payment on account.
ऑन अकाउंट जब आता है तो इट इज अ पार्ट पेमेंट. व्हेन आई यूज द वर्ड फुल सेटलमेंट देन द एंट्री इज कैश 9000, डिस्काउंट 1000, टू रमन 10000. एग्रीड? एंड देन द नेक्स्ट कैश, वो कहां गया? कैश 9000, बट आई विल यूज द वर्ड बैड डेट्स 1000, टू व्हाट? रमन 10000. समझ में? सभी एंट्रीज में फर्क है. सो कब कौन सी एंट्री यूज करना ये पता होना चाहिए. सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर, बॉयज एंड गर्ल्स. दीज आर सॉल्व्ड क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टेकन अप फॉर सेल्फ प्रैक्टिस ऑन पेज नंबर 20. ऑन पेज नंबर 20 यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन ऑन पेज नंबर 20. तो बेटा ये वाली एंट्रीज है, देखो जो मैंने थोड़ी सी स्पेशल एंट्रीज लेके आया हूं वो ये वाली है. ये रहा, देखो. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स. क्या लिखा है देखो? रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. व्हाट इज द वर्ड यूज्ड? फुल सेटलमेंट. तो बेटा इस केस में क्या वर्ड आएगा? डिस्काउंट. सो बेटा कैश जब आती है तो कैश को क्या करते हम? आवाज नहीं आ रही बेटा. डेबिट. एग्रीड? सो कैन आई नॉट मेक द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25 टू व्हाट? हरे कृष्णा. कैन यू सी द फर्स्ट एंट्री? यस. ड्यू लेट क्यों आप आज? हाँ, कौन सी कॉलेज है? कल से टाइम पे चाहिए. ये पहली एंट्री समझ में आई बेटा? बेटा बी देखो. Received 975 only from Shyam on his account for ₹1000. Don't get misled. On his account bola matlab bacha hua 25 is not discount. It is called as what? Part payment. So how do you make this entry? Please check. Cash account debit to Shyam account. Have you understood the second entry? Say yes. Now the third line, beta. Received first and final dividend of 60 paise in a rupee from the official receiver. Of Mr. Rajan who owed us 1000. इसका मतलब यह है, first and final dividend means Rajan has become insolvent. Rajan has become what? Insolvent. And he could not pay more than 60%. He only paid 60%. 60% पैसा दिया तो उसको क्या बोलते हैं? Full and final dividend. ऐसा शब्द भी होता है. Agreed? So बेटा जी मुझे एक बात बताओ, 1000 का 60% कितना आता है? 600. So what is the entry? Cash account debit. How much? 600. Bad debts account debit 400. To what? Rajan 1000. Can you see the last entry? Cash bad debts to Rajan. Do you all agree? Now I am requesting you all to make these first three entries in your notebook. क्योंकि वो मैंने की है, वो तुमको करनी है अभी notebook में. चलो करो. क्या बेटा? नहीं वहां पर नहीं करेंगे. वो जो 10 एंट्रीज किए ना वहां पर नहीं. मतलब वो जो, मतलब तुम कह रहे हो कि इन्वेंटरी में लिखेंगे क्या? इन्वेंटरी में ना को इधर कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किया.
वी गेट तीन एंट्रीज फर्स्ट. बेटा जल्दी करो ना यार, मैं क्यों बताऊं, तुम्हारे पास है ना. अच्छा यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन इट. क्या हुआ इसमें कि वी ओनली रिसीव 60 पैसे, बट दिस इज फाइनल डिविडेंड. मतलब दैट पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट. राजन हैज बिकम वॉट, इंसॉल्वेंट. ऐसे लिखने का तरीका होता है. जब मैं आपको इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि वो पैसा दे नहीं सकता. हम मांग रहे हो, दे नहीं रहा है. इंसॉल्वेंट, एग्रीड. इंसॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, दिवाड़ाखोर. एग्रीड. तो उस केस में आप एंट्री क्या करते हो, कैश कितनी आई तुमको, 600. कितना पैसा नहीं आया, 400. तो 400 को तुम डिस्काउंट नहीं बोल सकते. क्या बोलना पड़ेगा, बैड डेट्स एंड टू व्हाट, राजन. हाउ मच आई विल राइट डाउन, 1000. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यस, प्लीज राइट इट अप. यदि आपका हो जाए तो मैं आगे ले चलूं. ओके, मेरा प्यारा बच्चा, सुनहरा बच्चा, डन. नाउ बेटा डू द थर्ड एंट्री. थर्ड मतलब कैश अकाउंट डेबिट. इधर लिख कर दे दू क्या, मेक द एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, 600. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 600. अरे खरबूजे, टू व्हाट, राजन. हाउ मच, 1000. अभी सुनो, ध्यान से सुनो, सुन रहा है ना तू. बेटा जो मेरी बुक्स में, जो मेरी बुक्स में डिस्काउंट अलाउड है, वो किसी और की बुक में डिस्काउंट रिसीव्ड है. जिसको पैसा मिलता है, रिसीवर, वो वर्ड क्या यूज करता है, डिस्काउंट अलाउड. और जो पे करता है वो क्या वर्ड यूज करता है, डिस्काउंट रिसीव्ड. से यस. जैसे मैंने डिस्काउंट अलाउड बोला तो उधर क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड. मैंने बोला बैड डेट्स तो वो बैड डेट्स नहीं बोलता सामने वाला, वो बोलता है डेफिशिएंसी. जैसे अभी पुराने केस में राजन ने हमको पेमेंट कम किया, तो राजन अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा, ही से आई पेड, सो ही से टू कैश. Because when cash comes in, you debit. When cash goes out, you credit. So, Rajan ki books mein kya hoga? To cash. 600. Agreed? Kisko diya? X account. 1000 ka settlement hua. Now, you cannot call it as bad debts. Bad debts ka corresponding kya hai dusri book mein? Deficiency. Like one records purchases. To dusra wala kya record karta hai? Sale. Purchase, sale. वैसे ही बैड डेट्स, डेफिशिएंसी. सो बैड डेट्स का करस्पॉन्डिंग क्या है, डेफिशिएंसी. वन हु पेज विल यूज द वर्ड डेफिशिएंसी, वन यू रिसीव द मनी विल यूज द वर्ड बैड डेट्स. सो हियर आई विल यूज द वर्ड टू डेफिशिएंसी. एग्रीड. हाउ मच, 400. बट इट इज इन हुज बुक, राजन्स बुक. एग्रीड. ऑलराइट, सो राइट डाउन यहां पर ये दो वर्ड, रिसीवर के बुक में क्या आएगा और पेयर के बुक में क्या आएगा, रिसीवर के बुक में क्या आएगा और पेयर के बुक में क्या आएगा. रिसीवर के बुक में आएगा राइट, डिस्काउंट अलाउड, और पेयर के बुक में क्या वर्ड आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड. एग्रीड फ्रेंड्स. सिमिलरली If I say in the books of receiver, it would be Latika, straight, bad dates, and here it would be what? Deficiency. तुमको पता है, तुमको गुस्सा आता होगा सर, एकदम आप orthodox हो, हमको बैठने नहीं देते हो कैसे भी. तो फिर मुझे एक बात बता दो, क्या operation सो के किया जा सकता है क्या? डॉक्टर सोया हुआ है और operation कर रहा है, बोले नींद आ रही है, कर लेता हूँ.
रूल क्लियर है, जिस दिन तुम्हारे सर आराम से बैठे रहेंगे उस दिन तुम बैठ जाना। एक्टिव चाहिए मतलब चाहिए क्लास में, यू के नॉट बेंड योर बैक। दो फायदे इसके, एक कभी आपकी कमर या पीठ नहीं दुखेगी, ये मेरा प्रॉमिस, मेरी आज तक नहीं दुखी, समझ में आ रही बात है ना। और दूसरा बेनिफिट, इट विल मेक यू मेंटली अलर्ट। यू के नॉट बी मेंटली अलर्ट व्हेन योर पोस्चर इज बैड, सो पोस्चर शुड ऑलवेज बी रेक्ट, इवन व्हेन यू आर एट होम, इवन व्हेन यू आर एट होम ना, पोस्चर शुड बी ऑलवेज इरेक्ट। आप पढ़ाई करते हो स्पेशली, समझे? चले भी आगे। ऑलराइट, सो अब दो एंट्री हम किसके एंगल से देखेंगे, पेयर के एंगल से देखेंगे दो एंट्रीज। रीड द लास्ट टू ए ट्रांजेक्शन, दे सेड व्हाट, पेड 480, यस और नो? पेड 480 टू होम, मोहन, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज हाउ मच, 500। सो यू पेड हाउ मच, 480 टू होम, मोहन, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 500। एग्रीड, फुल सेटलमेंट है, सो दिस इज व्हाट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट, सो टू कैश, ये क्लियर हो रहा, कैश हैज टू बी व्हाट, क्रेडिटेड टू कैश 480, बट सेटलमेंट कितने से हो रहा है, सेटलमेंट कितने से हो रहा है, पूरे 500, सो रिमेनिंग 20 अमाउंट वुड बी व्हाट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डू यू ऑल एग्री? बेटा उसके नेक्स्ट लाइन क्या है, पेड 480 टू सोहन ऑन हिज अकाउंट, ऑन हिज अकाउंट मतलब विल यू कॉल इट एज अ डिस्काउंट, नो, इट इज व्हाट, पार्ट पेमेंट। सो लेट्स मेक द एंट्री बेटा, देखो पहली एंट्री, मोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये तो कराया था ना, मोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। और लास्ट वाली क्या है, सोहन टू कैश, चल लिख ले बेटा, are you done, shall we go ahead? Yep, aapke page number 21 par question number 2 hai, ye question hum karenge aaj ke 3-4 din baad jab hum final account ko discuss karenge, ye question hum kab karenge, in final account, so when I start with your final account I'll be talking about that, all right? ठीक है, 3-4 दिन बाद तो नहीं होगा final account, उसके पहले depreciation करना पड़ेगा, and then I'll come down to final account, is that okay? समझ गया ना पांड्या? चलो भी आ गया, yep, now you are all requested to come down to yesterday's problem, that was जिसके अंदर वो था ना अमोल, question number 3, question number 3 के answer के पास आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के पास आ जाओ बेटा, सब लोग भागते दौड़ते आओ, आ गए, पहुंच गए सब लोग, ओके, कौन सा नालायक पैर से भागते आ रहा है, नालायक आवाज कर रहा है, होपलेस चैप्स, ऑलराइट, सुनिए तो सर, ये पहले कल हमने ऐसी कुछ एंट्रीज की थी, याद है ना आपको, ये मैं दिखा चुका हूं आपको एंट्री, हो गई एंट्री सारी, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ ये किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे थे हम, इन द बुक्स ऑफ अमोल, मुझे इस पूरी जर्नल एंट्रीज में, कितनी जर्नल एंट्रीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जर्नल एंट्रीज है ना, 9 जर्नल एंट्रीज में आप मुझे सभी बच्चे विशाल का कितना बैलेंस है देखकर बताएंगे,
व्हाट इज द बैलेंस ऑफ विशाल? बैलेंस ऑफ विशाल मतलब हाउ मच इज रिसीवेबल फ्रॉम विशाल और हाउ मच इज पेएबल टू विशाल. सो यू आर यू गेटिंग माय प्रॉब्लम? यू हैव गॉट सो मेनी एंट्रीज. नाउ द एंट्रीज कुड मूव ऑन लाइक दिस. पहले पेज पर एंट्रीज, दूसरे पेज पर एंट्रीज, तीसरे पेज पर एंट्रीज. यू विल हैव सो मेनी एंट्रीज. एंड इफ टुमारो आई आस्क यू गिव मी द बैलेंस ऑफ कैश, गिव मी द बैलेंस ऑफ असेट, गिव मी द बैलेंस ऑफ लैंड, गिव मी द बैलेंस ऑफ अजय, विजय, राम, दीपिका, श्याम, गट्टू, इन सभी के मुझे अगर बैलेंसेस चाहिए, डोंट यू थिंक सो आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट दैट बैलेंस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वेन लुका पैसोली इन्वेंटेड अकाउंट्स, ही इन्वेंटेड दिस डबल एंट्री सिस्टम. बट देन देर वॉज एडवांसमेंट टू इट. And then we invented the next thing, which is the main book. Journal entry is not the main book. The main book is this, ledger accounts. And hence, ledger is called as principal book of account. Puri class bataiye, what is ledger called as? Principal book of account. Principal means what? Which is main book of account. Aur aaj tumko samajhna padega, why it is called as main book of account? Because you will be able to understand balance of any account. Jaise, मैं नीचे जाऊंगा और मैम को बोलूंगा, मैडम कृतिक का कितना बैलेंस है बताओ. एग्रीड? नाउ इफ द मैडम कीप्स ऑन सर्चिंग द जर्नल एंट्रीज, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. बट इफ मैम हैज गॉट अ स्पेशल अकाउंट विच इज ओनली डिवोटेड टू कृतिक, शी विल ओपन कृतिक अकाउंट और कृतिक अकाउंट में कितना बैलेंस है पता चल जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो हमको रियल लाइफ में हेल्प करती है दैट इज नॉट जर्नल. जर्नल इज टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग. जर्नल इज टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग. But ledger is the main book through which accounting is done, through which final accounts are prepared, through which trial balance is prepared. All these stuffs are done with the help of ledger account. Say yes. How does the ledger account appear? It's a T-shape ka ledger account hota hai. Agreed? T-shape. So shall we today see T-shape ledger account? Agreed? Are you sure about it? Okay, now listen to me. No one is going to write down. Everyone is first going to understand what are we going to do. You have already done this, but as we are focusing on the wordings, क्योंकि उस समय शायद wordings पर focus नहीं किया होगा. जैसे on account, कई सारे बच्चों को आज पता चला, on account is a part payment, full settlement is discount, right? Full and final dividend received is what? Bad debts. And उसका corresponding क्या है? Deficiency. समझ में आ रही बातें? दोनों अब जरा ध्यान से सुनो बेटा. when I am into subsidiary book, subsidiary book is like, we have already done subsidiary book, yes or no? Purchase book, sales book, purchase return, sales return, cash book hua nahi hai, cash book karna baki. And what? Journal proper abhi humne dekha, JP. Agreed? Beta ji, subsidiary books mein record hone ke baad mein ek aur cheez hoti hai jisko hum kya bolte hai? Ledger account. Agreed? और सब्सिडरी बुक के बाद में मैं लेजर बोलूं तो इसका मतलब क्या है? बुक. एग्रीड? इफ यू रिमेंबर व्हेन आई टॉट यू सब्सिडरी बुक, आई क्रिएटेड अकाउंट्स ऑफ ईच ऑफ देम. तब मैंने आपको लेजर पोस्टिंग सिखाई नहीं थी, बट हमने लेजर अकाउंट बनाना देखा था. एग्रीड? सो बेटा जी, सब्सिडरी बुक के बाद में जो मेन जाता है वो किसमें जाता है? लेजर बुक में. और लेजर बुक में यू हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अकाउंट्स. एग्रीड? हाँ या ना? इफ आई से एंगेजमेंट रिंग मीन्स वॉट? Engagement ring means what? Engagement ring hai meri. This is my engagement ring. No ring. Engagement ring ka matlab kya hai? Dekhte raho mere paas. Mere ko bhi kuch lena. Dekho, kuch bachcho ke kal parso friendship day gaya tha. To kuch bachcho ke isme maine friends ki ring dekhi thi. Friends. Aur agar koi batata this is my engagement ring. In the next hand, next finger, engagement ring. And then somebody says, this is my wedding ring. Wedding ring bhi hoti, bataya tumhe? Pata nahi aur kaise hoti, pata nahi. But then ring hoti hai ise. Kya meaning pata chalta hai? Agar friends ki ring ko tumne wedding ring bata diya to? Jhole ke nahi hai? Thappad khaoge ki nahi khaoge? Jhampe aap, wordings ke maine hai. तो जब examiner subsidiary book के बारे में word use करेगा, तो word use करेगा recorded. Entered,
दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ना बेटा, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. एंड इन द लेजर व्हाट वर्डिंग्स डू यू यूज? इन द लेजर यू यूज द वर्ड पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड. हो नहीं झंपिया, बात ध्यान से समझ लेना. जब एग्जामिनर वर्डिंग यूज कर रहा है तो वो कौन सी बुक के बारे में बात कर रहा है, नहीं तो तुमको समझेगा ही नहीं. पता तो चलना चाहिए ना, इसीलिए बताना पड़ेगा. नो 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 नो, दिस इज माय वेडिंग रिंग. नो नो, दिस इज माय एंगेजमेंट रिंग. नो नो नो, व्हाट इज दिस? इज माय फ्रेंडशिप रिंग, व्हाटएवर. बताना पड़ता है बॉस, पता कैसे चलेगा? सो कम्युनिकेशन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, एंड इन दिस कम्युनिकेशन यू शुड अंडरस्टैंड रिकॉर्डेड एंटर्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? सब्सिडरी बुक. लेजर में अगर कोई बात करनी है तो आई हैव टू यूज द वर्ड पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड. दिस आर बेसिक्स. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, जल्दी से कर लो, किसी को बताना मत, जल्दी से करो. अच्छा नहीं करने वाले, चलो अच्छे से लिख कर देता हूँ. तुमको क्या है कि तुम थोड़े से है ना कमी नहीं बन जाते हो कभी कभी. इसका गंदा वाला लिखा है, कैसे लिखूं? सब्सिडरी बुक्स, लेजर. सब्सिडरी बुक्स में वर्ड क्या था है? एंटर्ड, एंटर्ड, रिकॉर्डेड. जनरली हाँ, नॉट ऑलवेज, क्योंकि भारत में हम कुछ भी शब्द कहीं पर भी यूज कर लेते हैं. समझ में आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम है. बट जनरली ये वर्ड यूज करने चाहिए. और इधर पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड. एग्रीड? यस. शाबाश मुन्ना, शाबाश. ये ऐसे वर्डिंग्स होते हैं. हमारे पास बैलेंसेस दो ही टाइप के होते हैं. बैलेंसेस बेटा कितने टाइप के होते हैं? दो ही टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं. ओनली टू टाइप्स. ओनली हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. सो व्हाट आर द टू टाइप्स बैलेंसेस? सुन तो लो, ये लेजर अकाउंट है. लेट्स राइट डाउन राम अकाउंट. राइट डाउन मतलब मैं लिखूंगा, सुनो. राम अकाउंट तो ऐसे लिखते हैं, राम अकाउंट. ऐसे अलग अलग अकाउंट बनेंगे. हाँ, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट, एसी अकाउंट, बेंचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेसेस अकाउंट. याद है मैंने आपको परचेस बुक सिखाते वक्त लिख कर दिया था, परचेस बुक इज नॉट इक्वल टू परचेस अकाउंट. अकाउंट अलग है, अकाउंट इज इन लेजर. परचेस बुक इज अ सब्सिडरी बुक. एग्रीड? तो ऐसे अलग अलग अकाउंट होते हैं. अब दो बैलेंसेस हो सकते हैं किसी भी चीज को. कितने बैलेंस हो सकते हैं? दो. एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट. तो डेबिट ये बाजू है और क्रेडिट ये बाजू है. सर ऐसा क्यों? लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाइट इज डेबिट रूल है. समझदार हो गए अभी तुम. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट. सपोज आई हैव टू राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस. सपोज आई हैव टू राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस, देन आई विल यूज द वर्ड बीडी. बीडी बताया ना, बीडी जलाई ले, जिगर से पिया. जिगर में बड़ा ही आ गया, ठीक है, रख उधर ही रख. सो बीडी इज बीएफ, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन. सो व्हेन आई से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या बीएफ ब्रॉड फॉरवर्ड, समझ में आया? या इफ आई राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और ब्रॉड फॉरवर्ड, देन आई एम टॉकिंग अबाउट ओपनिंग डेबिट बैलेंस एंड ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, अगर मेरा डेबिट बैलेंस है, अगर मेरा क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस है ओपनिंग, सो आई विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. पहली चीज क्या समझा? अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस है, सो विच साइड आई विल राइट डाउन? डेबिट साइड ओनली. सो ओपनिंग बैलेंस की खास बात है, जो बैलेंस होता है ना उसी साइड में लिखते हैं. यस, शी इज गोइंग टू रिपीट इट फॉर अस. आणि बशी घेऊन गाव भर नाचत फिरायचं बाळ, कुठेच थांबायचं नाही. पूर्ण प्रेस्टीज पॉइंट. गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान दे बेवडी, इतना सिंपल सी चीज बता रहा हूं. आई एम सेइंग अगर डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस वर्ड नहीं यूज किया मैंने. अगर ओपनिंग डेबिट बैलेंस है तो इट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ओनली. सो दिस इज ओपनिंग डेबिट बैलेंस.
सर हाउ डू वी अंडरस्टैंड वेदर इट इज ओपनिंग? ओपनिंग समझने के लिए तुमको बी ध्यान में बताएगा, बी ओपनिंग बैलेंस इज नोन फ्रॉम द वर्ड बी ब्रॉट फॉरवर्ड, बिकॉज सी लास्ट टाइम का जो बैलेंस था उसको मैं खींच के नीचे लेके आ रहा हूं, ब्रॉट डाउन। रात में जो शक्कर बच गई थी वो नेक्स्ट डे आएगी, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड। नहीं नहीं, तुम कोई भी चीज का बैलेंस कैसे करते हो? ऐसे बोलोगे ना इंग्लिश में, इंग्लिश इंग्लिश, ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन। कल का जो बैलेंस था वो अगर आज मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड। सो आज वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। से यस, एवरीवन गेट्स माय पॉइंट? सो ओपनिंग है, ये कहां से पता चलेगा, बी से। और अगर मैं उसको डेबिट में लिख दूं तो आपको पता चल जाना चाहिए ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। मला नहीं कळत काय बोलतोय मी, काय ओपनिंग डेबिट बैलेंस। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? सपोज इफ आई राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो देन दैट इज बी। बी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओपनिंग। बी विल टॉक अबाउट ओपनिंग, और ओपनिंग की खास बात क्या है, जिस साइड में लिखा वो वही बैलेंस होता है। से यस, मुझे नहीं समझा। बी स्टैंड्स फॉर ओपनिंग, जिस साइड में लिखा वही बैलेंस रहता है क्या? हाँ या नहीं? अब मेरी एक बात सुन लीजिए, इस अकाउंट्स के संसार में पांच चीजें बेटा, कितनी चीजें, पांच। पहली वाली है असेट, दूसरी वाली है लाइबिलिटी, तीसरा वाला है कैपिटल, चौथा वाला है इनकम और एक्सपेंस। एग्रीड? और असेट को डेबिट बैलेंस होता है, ऐसा क्यों, रूल है। एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, ऐसा क्यों, रूल है। लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, इन सभी को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। से यस, दिस आर रूल। सो अगर मैं कहूं असेट को डेबिट बैलेंस है तो कहां पर लिखोगे, डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। सो सपोज अगर मैं एसी का अकाउंट बनाऊं, एसी अकाउंट दिख रहा है, एसी है, हाँ, तो मुझे बताओ इसको कौन सा बैलेंस होगा, इट इज एन असेट, इसको कौन सा बैलेंस होगा, नलायक को जल्दी से बोलो, डेबिट बैलेंस। सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझिंग क्या, एग्रीड? सो लेट्स राइट डाउन 28,000। अच्छा, मैंने कोई नया एसी बाय किया नहीं, आज रात को भी यहां पर कितने एसी रहेंगे, एक, तो बेटा दो रहेंगे, कौन है तेरे घर के भी जाके गिन ले बेटा, सब गिन ले, इधर पूरे गांव भर घूम के एसी घूम गया, कितना एसी दिख रहा है इधर, एक, तो सुबह कितना है, एक, शाम को कितना रहेगा, एक, मान के चलते। सो ओपनिंग इधर लिखा, क्लोजिंग मालूम है क्या किधर लिखते, उल्टे साइड में। क्लोजिंग किधर लिखते, उल्टे साइड में, क्रेडिट साइड में। सो मैंने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28,000, अज्यूमिंग इट। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, सी स्टैंड्स फॉर कैरिड डाउन, बट तुमको हिंट दे रहा हूं, सी लिखा मतलब क्लोजिंग, सी डी, सी एफ, सी डी और सी एफ, दैट टॉक्स अबाउट वॉट, क्लोजिंग बैलेंस। And closing balance is always written on the ulta side of the balance, opposite side. Say yes. Hey, Jhandu Bam. Credit में लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो credit balance हो गया, वो debit balance ही है, सिर्फ लिखते credit side में। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? Yes. पक्का? तुम girls के पास gold है, सबके पास gold है, right? तो मुझे बताओ तुम्हारे silver है तुम्हारे पास, sorry. Gold को कौन सा balance रहेगा? क्यों गोल्ड को डेबिट बैलेंस क्यों है? असेट, तुम्हारा कॉमन सेंस जागरूक है, डेबिट बैलेंस है, एग्रीड? बॉयज के पास कुछ नहीं है, ये बेंचेस असेट, कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। से यस, ओके। प्रोजेक्टर, फैन, डेबिट, पक्का? अच्छा, तुम्हारे पापा के पास एफडी है, तुम बताओ ना तुम्हारी क्या है, वो असेट है कि लाइबिलिटी, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? असेट, एफडी, असेट, और क्या क्या है तुम्हारे पापा के पास? घर में सोफा सेट है क्या? हाँ, जिस पर मम्मी खून नहीं देती, ध्यान से बैठ नलायक, होटल में नहीं गया तू तो व्हाट इज, सबकी मम्मी ऐसे ही बोलती होगी ना, मेरी माँ तो ऐसे ही बोलती थी, पता नहीं मेरा घर है कि किसी और का है, कभी कभी तो मुझे शक होता था मैं उनका ही बच्चा हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं ऐसे डांटते रहते ना मम्मा, फिर अभी याद आती है। एनीवेज, लेट्स नॉट गेट इमोशनल। सो
आई एम सेइंग असेट अकाउंट. बेटा असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट. ओपनिंग बैलेंस रहा, ये किससे आइडेंटिफाई होता है? बी से. तो क्या लिखते हो? बीडी. या क्या लिखते हो? बीएफ. सो बेटा मैं अगर इधर लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेबिट बैलेंस. अगर क्लोजिंग लिखना है तो कौन से बाजू लिखते? क्रेडिट साइड. तो कैसे लिखते? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. यस और नो? दिस इज क्लोजिंग. तो क्लोजिंग उल्टे साइड में लिखते हैं, मगर बैलेंस कौन सा है? झंडू बाम, डेबिट बैलेंस. इतना प्यारा बच्चा है मेरा, समझ में आ गया सभी को? यस. देन इट टैलीज लाइक दिस. जब दोनों की टोटल आप इक्वल ले लेते हो उसको टैली करना बोलते हैं. तो टुडे आई टीच यू हाउ टू डू दैट. इज दैट ओके? बट एक छोटा सा बात सुन लेते हैं. बचपन से गजानन महाराज, आप मुझे बताओ हिसाब लिखते हो आप गजानन महाराज हिसाब लिखते हो? तुम मराठी हिंदी नहीं आती? हाँ अच्छा, गजानन महाराज क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा ऐसे करके बैठी थी ना तू, हाँ इसीलिए. नाम क्या है तुम्हारा? तनुजा. तनुजा डू यू गिव हिसाब को और क्या बोलते यार मराठी में, क्या बोलते हिसाब को? हिशोब देती का? पप्पा ने हिशोब देती तू? नहीं दे, उड़ोते फक्त. देगी हाथ से? गुड. कितने रुपए दिए पापा ने? हाउ मच मनी योर डैड गेव यू? जल्दी बोला माँ. 2000 रुपीज डैड गेव यू. ओके ओके, कैश मिली. अब मुझे बताओ तुम खर्चा कर रही हो कहाँ कहाँ पे करोगे? चिप्स. हाँ बता कितने? एक काम करता हूँ सुनो, तूने चिप्स खरीदी किया तो तुमने उसको सामने वाले आदमी को क्या दिया? कैश. कैश कितने रुपए दिए? हाँ 10 रुपीज. अब जल्दी जल्दी बता, जल्दी जल्दी. फ्रूट्स वो भी खाती है लगता तो नहीं है? हाँ फ्रूट्स कितने हैं? 500 के फ्रूट्स खा गई. अच्छा नेक्स्ट. अरे वो खाइए, मेरे को क्या लेना देना. नेक्स्ट. रिक्शा. अरे मैं फ्रूट्स क्यों लिख रहा हूँ यार, फ्रूट्स के लिए भी क्या दिया? कैश 500. फिर नहीं और क्या है? क्या किसके किसके लिए? रिक्शा, उसके लिए भी कैश दी. कितने रुपए रिक्शा के? 20 रुपीज. फिर नेक्स्ट. बुक्स. बुक्स कितना दिया कैश? 10 रुपीज. 100 बोला? अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं सुनाई. अब तुमको समझ में आ रहा है क्या झंडू बाम बच्चों? अगर ये इसके पापा को हिसाब दिखाएगी, पापा ये देखो तुमने 2000 रुपये मेरे को दिए, मैंने 10 रुपये खर्चा किया, मैंने 500 रुपये खर्चा किया, मैंने 20 रुपये खर्चा किया, मैंने 100 रुपये खर्चा किया, पापा क्या बोलेंगे? बशी घून फिरा. वाई? क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ खर्चा किया. सो बेटा जब तुमको पता है कि तुम कैश का अकाउंट दे रहे हो तो तुम बचपन से लेकर आज तक कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं लिखते, कैश में नाम किसी और का लिखते हो. से यस. डू यू गेट माई पॉइंट? तो पहली चीज, अगर मैंने एंट्री बनाई ऐसी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राजेश, एग्रीड, 10,000 10,000. कैन यू विजुअलाइज दिस जर्नल एंट्री? नाउ आई विल क्रिएट टू अकाउंट, परचेसेस अकाउंट एंड राजेश अकाउंट, एग्रीड. सो बेटा परचेसेस अकाउंट ऐसा बनेगा और राजेश अकाउंट ऐसा बनेगा. इसके डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू, ऐसा टू क्यों? रूल है. और इधर क्या लिखते हैं? बाय. बाय क्यों? रूल है. सो व्हेन आई हैव टू राइट एनीथिंग ऑन द डेबिट साइड आई राइट डाउन टू, व्हेन आई वांट टू राइट डाउन एनीथिंग ऑन द क्रेडिट साइड आई राइट डाउन बाय. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, परचेसेस अकाउंट डेबिट हाउ मच? 10,000. सो बेटा परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू राजेश. हाउ मच विल आई राइट डाउन? 10,000. टू राजेश 10,000. परचेस में परचेस का नाम नहीं लिखने का, लोग एड़ा बोलते, बाण से मारते, समझ में आ रहा है? सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट डाउन? टू राजेश, बट परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में. और ये डेबिट साइड है. से यस. अब मुझे सिमिलरली बताओ राजेश के कौन से साइड में जाके लिखे? क्रेडिट साइड में. तो क्या मैं लिखूंगा? बाय परचेसेस कितना लिखूं? 10,000. डू ऑल एग्री? यस. सो लवली पीपल, कल मैंने आपको दो अकाउंट पेंडिंग छोड़ने के लिए बोले था, एक अमोल और एक विशाल. 10-10 लाइन छोड़ी थी आपने कल, आज वो अकाउंट कंप्लीट करेंगे हम. अमोल अकाउंट बनता कैसे है? एग्रीड. सो बेटा वो सारी जर्नल एंट्रीज ओपन करो, सारी जर्नल एंट्रीज ओपन करो.
right? I am there on problem number what? 3. 3 par hai na beta? Okay. 3 mein beta, in the books of Amol. In the books of Amol, I will create which account? Vishal's account. I will create Vishal's account. Beta, Vishal's account aisa hota hai kya? T shape. Aur iske aise column bante hai. Pehle wale ko kya bolte hai? Date. Particulars. JF. JF is journal folio. Journal folio matlab page number. कौन से पेज नंबर पर है? जैसे इस लड़की ने क्या किया अभी, जो उसके क्वेश्चन बैंक है उसमें लिख कर रखा है पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पर सॉल्व किया हुआ है, ताकि क्रॉस रेफरेंसिंग इजी हो जाता ना. तो कौन सी जर्नल एंट्री पोस्ट की है, कौन से पेज नंबर पर है, उसका रेफरेंस देना इज कॉल्ड एज व्हाट? जर्नल फोलियो. डू यू गेट माई पॉइंट? और ये क्या आएगा? रुपीज. डेट. पर्टिकुलर्स. जेएफ और रुपीज. से यस. This is a debit baju, this is credit baju. Agreed? Gaadi chalu kar rahi hai. Chalu nahi ho rahi hai. Thakka laga beta thoda. Okay, what is the first entry which you have recorded yesterday? Beta, mere ko open karni padegi ki tum dekh kar bata doge na. Purchases to Vishal. Beta, humne kiska account banaya? Vishal ka, ek hi. To Vishal ko kya hua hai entry mein? Entry mein check karke batao kya hua hai? Debit hua hai ki credit hua hai? Credit hua hai. Dekho, wo do bacche baithe na piche, wo kal aaye nahi the. Ek black color ka shirt pehna hai aur uske baju wala. Wo. Ha. Aur tu? फर्स्ट डे. वेरी गुड. तो बेटा मुझे एंट्री बता, क्या एंट्री की? खड़ा हो जा ब्लैक कलर का शर्ट. तेरे बाजू में कौन है? लड़का ही है ना, फिर इतना खुश क्यों हो रहा है? चल खड़ा हो जा तू. पहले नाम क्या दे रहा? ब्लैक कलर शर्ट, खड़े हो जाओ आप. नाम क्या आपका? सुंदर सा नाम बताओ. उज्जवल. चलो बताओ पहली एंट्री क्या लिखी है कल तुमने? कोई नहीं हेल्प करेगा. कल तू बुक नहीं लेके आया था, आज अंडे डाल रहा है. बेटा तुझे क्या लग रहा है? इधर बहुत साल का एक्सपीरियंस है मेरे में. चल तू आगे, अभी उसको आगे भेजो. मुझे लगता है तेरे पास में है क्या एंट्रीज बेटा? ओ रेड कलर शर्ट. तुझे सही में लगता है तू ऐसे पास हो जाएगा? मतलब कुछ तो मैजिक होगा, है ना? सुनना, वो सिंहगढ़ रोड पर है ना, सिंहगढ़ रोड पर. तुम दोनों, तू तो नहीं, तू छोड़ दे. सिंहगढ़ रोड पर जाओ वहां पे. ए थोड़ा आगे यार. और ये तू अंदर से रख सकता है क्या? हाँ, तू इधर, इधर से अंदर घुस के उस तरफ बैठ. और अगर एक खरबूजे ने एंट्री नहीं लिखी ना तो बताना मेरे को. ए भाई तुम दोनों को बता रहा हूँ, सिंहगढ़ रोड पे जाना, वहां पे एक तांत्रिक बैठता है, पूछ लेना उसको. उसको बोल मेरे ऊपर कुछ पानी यानी डालो, बोलना कुछ हो सकता है तो. देखो पढ़ाई तो मैं करता नहीं, कहीं पर भी बैठ, स्टूल पर बैठ, उस पर बैठ. बेटा आज एंट्रीज बिना दिखाए तू जाएगा नहीं घर पर. टूटी हुई है, दो लेकर बैठना, नहीं तो सबके सामने फालूदा हो जाएगा. ठीक है, चले बेटा. अभी मैंने आपको कुछ पूछा था, आपको याद है क्या पूछा था? फर्स्ट एंट्री क्या है? परचेज टू विशाल. विशाल के कौन से बाजू में? डेबिट या क्रेडिट बाजू में? क्रेडिट. ये एंट्री से समझ में आ रहा है ना, विशाल इज क्रेडिटेड. सो विशाल अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर मैं जाके लिखूंगा बाय विशाल, तो लोगा येड़ा बोलते. समझ में आ रहा है ना? जैसे कैश में हम कैश नहीं लिखते थे. कैश में किसके लिए किया? चिप्स, ऑटो, बुक्स, फ्रूट्स. वैसे इधर विशाल के अंदर क्या है? बाय परचेसेस. बेटा डेट बता. सेकंड
सेकेंड सितंबर कितना अमाउंट है बेटा 2700 बेटा नेक्स्ट एंट्री बताओ विशाल टू परचेस रिटर्न डेट बताओ बेटा थर्ड सो विशाल को क्या हुआ है डेबिट सो विशाल के डेबिट साइड में लिखूंगा मैं थर्ड सितंबर आई विल राइट डाउन व्हाट टू परचेस रिटर्न 450 आई एम प्राउड ऑफ यू नेक्स्ट विशाल टू कैश सो विशाल इज व्हाट डेबिटेड सो वेर विल आई राइट डाउन व्हाट इज द डेट बेटा 5th September, I will write down what? 2. 2 cash. Kitna aayega beta? 19. Haan, toh likhenge na. Toh entry bata puri kya hai? Vishal to cash to discount. Toh beta, Vishal ke debit side mein 2 account jayenge. I repeat, this is compound entry. Vishal ke debit side mein 2 account jayenge. 5 September ko main likhunga 2 discount also. कितना आएगा बेटा 40 देखो एंट्री यही हुई थी ना बेटा आपकी क्या एंट्री हुई थी विशाल टू कैश टू डिस्काउंट तो बेटा विशाल के डेबिट में जाएंगे और किसके नाम लिख देंगे ये दो के समझ में आ रहा है क्या ये एंट्री की थी आपने ओके यहां तक आ जाओ नेक्स्ट कैश टू सेल्स क्या ये विशाल अकाउंट को अफेक्ट कर रही है नहीं So I will not post it. Cash to sales नहीं posting करेंगे हम इस account में. Next बेटा next क्या है? Drawings to cash. क्या ये भी विशाल को affect कर रहा है क्या? नहीं. So हम इसकी भी posting नहीं करेंगे विशाल account में. समझ में आ रही छोरी? Next entry बोलो. विशाल to sales to cash. So can I not say विशाल के debit side में? What is the date बेटा? 15 September and I'll write down to cash. 15 ना बेटा एंड टू सेल्स 1000 मेरे को 15 सुनाई दिया 50 ठीक है शाबाश इसलिए कहीं लेकर नहीं जाते तेरे को होपलेस शब आगे बताओ नेक्स्ट आइटम सेल्स रिटर्न टू कैश क्या यहां पे अफेक्ट हो रहा है कहीं पे नहीं चलो नेक्स्ट एंट्री कैश टू विशाल्स लोन अकाउंट बेटा अगर मैं मानूं कि विशाल अकाउंट ही मैंने लिखा होता तो मैं विशाल के कौन से साइड में लिख देता क्रेडिट साइड में से यस अभी के लिए मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं बट आपको सिखा रहा हूं सिर्फ विशाल से कितना आना है कितना पे करना है सो व्हाट विल आई राइट डाउन आई विल राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज विशाल्स लोन अकाउंट इज एज गुड एज विशाल्स पर्सनल अकाउंट ऐसा भी होता है कि विशाल लोन अकाउंट आप अलग भी बना सकते हो हाँ नहीं विशाल लोन अकाउंट आप अलग भी बना सकते हो बट अभी के लिए मैं विशाल लोन को भी यहीं पे ट्रांसफर करूंगा इज दैट ओके सो बताओ कहां पे लिखूं क्रेडिट साइड में कौन सी तारीख है बेटा 21st सो मैं क्या लिखूंगा बाय कैश कितना है बेटा 10,000 इसका सेपरेट पोस्टिंग भी कर सकते थे आप नया अकाउंट बनाकर भी कर सकते थे इज दैट ओके अच्छा एनी अदर एंट्री अच्छा आप पूरी क्लास देखेगी Everyone, I'm teaching you one more thing. Journal records the transaction in chronological order. Chronological मतलब एक के नीचे एक, date wise. Chronological order में, date wise. But ledger records in both chronological as well as analytical. Why analytical? You see this ledger account. It is giving you only the transaction of Vishal and they are given what? Date wise. क्रोनोलॉजिकल तो क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या डेट वाइज एनालिटिकल मतलब किसी एक अकाउंट का बैलेंस पता चलना से यस नाउ प्लीज कैलकुलेट द बैलेंस एंड लेट मी नो अब बैलेंस कैसे निकालते सुनो मेरी बात ध्यान से घाई नहीं करेगा कोई सुनो डेबिट की टोटल लो 3700 तो मैंने रफ में लिखा कोई नहीं लिखेगा मैंने रफ में लिखा 3700 सर दिख नहीं रहा है दिखे नहीं इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं मैंने रफ में टोटल लिखी क्या नहीं लिखी बेटा मुझे बताओ क्रेडिट की टोटल कितनी है 12,700 कॉमन सेंस लगाओ कॉमन सेंस कौन सी साइड बड़ी है क्रेडिट साइड बड़ी है बैलेंस कौन सा होना चाहिए क्रेडिट या डेबिट क्रेडिट ही होना चाहिए बट बेटा अब मैं क्लोजिंग लिख रहा हूं कि ओपनिंग लिख रहा हूं
क्लोजिंग, क्योंकि आफ्टर द ट्रांजेक्शन क्या बैलेंस रहेगा, आई एम कैलकुलेटिंग दैट. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, विच साइड इज बिगर, विच साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड. सो इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, बट आई राइट इट ऑन विच साइड, डेबिट साइड. लिखता कौन से साइड में हो, डेबिट साइड. तो झंडूबाम बच्चों मुझे बताओ, डेबिट साइड में लिखने से क्या वो डेबिट बैलेंस हो गया? नहीं. क्लोजिंग बैलेंस अगर मैं डेबिट में लिखता हूं तो उसको बैलेंस क्रेडिट ही रहता है, बट सिर्फ प्रेजेंटेशन कहां पे लिखते हैं, डेबिट में. सो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इधर कितने का फर्क रह गया, 9000. सो आई विल राइट डाउन 30th सितंबर टू बैलेंस कैरिड डाउन या ब्रॉट डाउन है. सो आई विल राइट डाउन सीडी कितना आ रहा है, 9000. और बेटा जी अब ये दो लाइन खींचते हैं और नीचे डबल अंडरलाइन करते हैं, इसको बोलते हैं टैली टैली. टैली टैली मतलब कितना, 12,700, 12,700. मतलब इस पीरियड के लिए इस व्यक्ति को ये वाला बैलेंस है. एग्रीड? लिखा डेबिट में है मगर बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट. एग्रीड? फिर बेटा इस सितंबर महीने के बाद में 1 अक्टूबर आती है, 1 अक्टूबर को ये बैलेंस क्या करते हैं, कैरिड फॉरवर्ड कर कर हम नेक्स्ट डे लेके आ जाते हैं. तो नेक्स्ट डे हम क्या बोलेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड. पहले कैरिड डाउन किया या कैरिड फॉरवर्ड, अब ब्रॉट फॉरवर्ड. सो बेटा जी ये कौन से साइड में लिखा, ये इधर क्रेडिट में था, डेबिट में था ना, अब ये इसी साइड में लिखते हैं 1 अक्टूबर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000. ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग. ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग. ओपनिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा जाता है वही बैलेंस होता है. तो ओपनिंग बैलेंस मैंने कौन से साइड में लिखा, क्रेडिट साइड में. से यस. सो बताओ ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस. और ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस. कुछ क्वेश्चन पूछू क्या अभी आपको, रेडी हो ना आप, ये क्लैरिटी आ गई, सुनिए तो. मगर अभी आप अगर कोई मुझे पूछे कि विशाल से, विशाल को कितना पेएबल है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस मीन्स पेएबल. लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट को डेबिट बैलेंस होता है, लिख कर दिया था मैंने, असेट डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस. पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस मीन्स इट इज पेएबल. तो कितना पेएबल है, 9000. आप अकाउंट खोले तुरंत बता दिया, वही जर्नल को देखकर बताने के लिए कहा था मैंने, तुम बता नहीं पा रहे थे, अब बता पा रहे हो कि नहीं. यस. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, विच इज दिस बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस. कहां से पता चला, बी से पता चला ओपनिंग, और टू रहा डेबिट में लिखा है, तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस. टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग क्लोजिंग डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, डी या सी, सी. जिन्होंने बोला डी वो है सी. झंपिया सी मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब जिस तरफ लिखा है उसका उल्टा. मैंने पूछा कौन सा बैलेंस है, हाउ कैन यू से जिस तरफ लिखा वही बैलेंस, यूजलेस. इट इज क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लिखा डेबिट में टू से पता चल रहा है, बट है कौन सा, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग है, तो वो लिखते उल्टे साइड में, मगर बैलेंस कौन सा रहता है, क्रेडिट बैलेंस. से यस. चलो और एक बार करते हैं, पूछू क्या, हिम्मत करके पूछ रहा हूं. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, पहले मुझे मैं पूछूंगा, पहले ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग. कौन से साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में. बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग जिस तरफ लिखा जाता है वो बैलेंस नहीं रहता है, उसका उल्टा होता है. पर मैंने बोल दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने 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 पूछना है पहले ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, ओपनिंग. कौन से साइड में लिखा है, क्रेडिट. कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है. ये क्रेडिट ही है मगर ये डेबिट है, ये क्रेडिट है. समझ में आया? तुमको पता है एग्जाम में जब MCQ आता है ना, तब चारों ही ऑप्शन दिए जाते हैं, इट इज ओपनिंग डेबिट बैलेंस, इट इज क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, इट इज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, इट इज क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस. बच्चा देखता है उनमें से एक तो मैच होने वाला ही है. पेपर खूब सोपा होता सर, बशी क्यों आला है तू. समझ में आ रही बात, ध्यान में कैसे निकालते बैलेंस.
पक्का सभी के दिमाग में बैठ गया ना, क्लोजिंग इज रिटन ऑन दी उल्टा साइड, डन डन डन। चलो अभी दूसरा अकाउंट बनाएंगे क्या, कौन सा वाला? अच्छा सभी को टैली करना मतलब समझ में है, टैली मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग करने के बाद में जो टोटल ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? टैली। और बैलेंसिंग मतलब जो साइड ज्यादा होती है उसके अपोजिट साइड में हम लिखते हैं बैलेंसिंग। चला ये कौन सा अकाउंट बनाना है, इन द बुक्स ऑफ विशाल कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अमोल अकाउंट। बेटा तुमको आज देखकर मजा आएगा कि विशाल के अकाउंट को हमारा क्रेडिट बैलेंस आया था ना, बोलो ना हाँ। तुम्हें पता है इधर कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस आना चाहिए। एक बोल रहा पेएबल है तो दूसरा क्या बोलेगा? रिसीवेबल है। सो देयर शुड बी इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस। सो लेट्स सी इफ इट मैचेस और नॉट। चले पहली एंट्री बताओ इन द बुक्स ऑफ विशाल। अच्छा ये किया नहीं क्या आपने कंप्लीट? पहले ही कंप्लीट कर दो। चलो ये कंप्लीट कर दिया ना भैया। ये किसके बुक में था? अमोल की। अमोल की बुक में कौन सा अकाउंट बनाया था? विशाल। अभी हम किसके बुक में जाएंगे? विशाल के बुक में। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अमोल अकाउंट। चलो पहले इसका पोस्टिंग खत्म कर दो, खत्म करो इसको। Shall I take it? Here we go. Amol account. पहली एंट्री देखो, आवाज नहीं आ रही यार। Amol to sales. So can I not say Amol के डेबिट साइड में डेट क्या है? 2nd September. क्या लिखूंगा? टू सेल्स। बता बेटा अमाउंट 2700। ये डेट पर्टिकुलर्स फिर JF, फिर रुपीज अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF, रुपीज अमाउंट। हाँ बताओ नेक्स्ट एंट्री। सेल्स रिटर्न टू अमोल, क्या डेट है बेटा? 3rd September। तो बेटा मैं इधर लिखू क्या? बाय सेल्स रिटर्न। क्यों? क्योंकि बेटा बोला सेल्स रिटर्न टू अमोल बोला है, तो अमोल के क्रेडिट साइड में। एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन व्हाट? बाय सेल्स रिटर्न। डू यू ऑल एग्री? बताओ फिगर कितना लिखूं? 450। वेरी गुड। नेक्स्ट आइटम बेटा, कैश टू, कैश टू डिस्काउंट टू, कैश डिस्काउंट टू अमोल। सो अमोल के क्रेडिट साइड में डेट बता बेटा, 5th September। सो आई विल राइट डाउन बाय कैश। कैश कितना बेटा फिगर? 1960। 59 को बाय डिस्काउंट 40। ये डिस्काउंट अलाउड है। चलो आगे बढ़ो। परचेस, परचेस ट्रांसपोर्ट टू कैश, विल इट अफेक्ट अमोल अकाउंट? नो, अमोल अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं है। नेक्स्ट एंट्री बेटा, एडवर्टीजमेंट टू कैश, ये भी नहीं आएगी बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व, अमोल अकाउंट इज नॉट इन्वॉल्व। नेक्स्ट एंट्री, परचेस पैकिंग चार्जेस टू अमोल। सो अमोल के क्रेडिट साइड में डेट बता बेटा, 15/9। सो आई विल राइट डाउन बाय परचेसेस 1200, बाय पैकिंग चार्जेस 15। एग्रीड? 550। ओके नेक्स्ट बताओ बेटा, कैश टू परचेस रिटर्न, कोई लेना देना नहीं है इसका। नेक्स्ट, अमोल, अमोल्स लोन को अमोल अकाउंट पकड़ लूं? यस। डेट बता बेटा, 21st September। टू क्या लिखूंगा? टू कैश। कैन आई हैव द फिगर? यू से 10,000। डू यू ऑल एग्री? वेरी गुड। ओके और कोई एंट्री बेटा? कमीशन टू कैश, इट डजंट अफेक्ट व्हाट? अमोल अकाउंट। व्हाट नेक्स्ट एंट्री? डन। सो अभी क्या करना है? वापिस टोटल लेना बेटा, रफ में टोटल लो, रफ में। इधर की कितनी है? 12,700। और इधर की कितनी है? 3,700। तो जाहिर सी बात है कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट।
तो हम डेबिट में नहीं लिखेंगे, हम कौन से साइड में लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड. व्हाट शुड आई राइट डाउन फ्रेंड्स? बाय बैलेंस. सो आई राइट डाउन 30th September बाय बैलेंस कैरी डाउन. कितना आएगा? 9000. एंड डज इट टैली? यस इट टैलीज. वंस इट टैलीज व्हाट डू यू डू? अगेन यू राइट डाउन योर टू बैलेंस brought down. How much should I write down? 9000. Now tell me which is this balance? C likha hai. Closing. Closing kaun se side mein likha jata hai? Closing kaun se side mein likha jata hai? Opposite side. Abhi kaun se side mein likha hai? Credit. Balance kaun sa hai? Debit. And this is what? BD. Opening. Jis taraf likha hai wahi balance hai. To kaun sa hai? Opening debit balance. Are you getting my point? Is tarike se hum balancing karte hai. Say yes. वेरी गुड. तो वैसे एक प्रॉब्लम आप घर पर करके आए थे. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. एग्रीड? कैन यू प्लीज ओपन अप क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच यू हैव डन एट योर होम. उसका पोस्टिंग भी करना बाकी है. सो आज हम पोस्टिंग सीख लेते उसके. कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ एवरीवन. Come down to question number fourth. Everyone, come down to question number fourth. Are you there? Now, what you have to do is, you have to identify the number of accounts. So, take a pencil in your hand. Take a pencil in your hand. Agreed? Hame kitne account banane padenge? Cash ka account banana padega? Yes, one. Capital ka account banana padega? Yes, two. Purchase ka banana padega? Yes, three. Atul ka? Yes, four. Madhav's drawing? Yes. कैश बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, बना चुके हम. जो भी यूनिक अकाउंट मिले ना उसके नंबर लिख के रखेंगे, उतने अकाउंट बनाने पड़ेंगे. अतुल बनाना पड़ेगा क्या? नहीं. कैश? नहीं. परचेसेस? नहीं. कैश? नहीं. कैश टू माधव कैपिटल बना चुके हैं, परचेस टू अतुल सब हो गया. कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? पांच. सभी को समझ में आ रहा है क्या? कैसे किया मतलब? एक बार एक किसी का अकाउंट बन गया तो दोबारा उसका अकाउंट नहीं बनाते. एग्रीड? तो एक बार आपको पहले आइडेंटिफाई करने पड़ते कितने यूनिक अकाउंट है, उन सबके एक 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 अकाउंट बनाएंगे. अब अभी के लिए हम ये अकाउंट थोड़े से रफ में बनाएंगे, पूरा एकदम फॉर्मेट अच्छे से जरूरत नहीं है. अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो अकाउंट कैसे बनेंगे? ये टी शेप बना सकते हैं हम. तो चलिए हम पहले अकाउंट कौन सा बनाएंगे बेटा? किसकी बुक में? इन द बुक्स ऑफ माधव नेमाडे. राइट? लेजर. लेजर में पहला अकाउंट किसका बनेगा? कैश. ये ले, तू खुश रहे, कैश अकाउंट. चलो आप मेरे साथ बनाओ ये कैश अकाउंट. फॉर हाउ मेनी लाइन्स? 6-7 लाइन्स. कैश अकाउंट 6-7 लाइन्स. कैश अकाउंट 6-7 लाइन्स. सही है? 6-7 लाइन कैश अकाउंट बन गया. फिर नेक्स्ट क्या बनेगा? कैपिटल का नाम क्या है? माधव्स कैपिटल अकाउंट. Created for around four lines. Madhav's capital account. चलो next कौन सा बनाएंगे बेटा? Third account is purchase account. Purchases account. तीन चार लाइन का बनाओ, अभी ज्यादा बड़े नहीं. 4-5 लाइंस बस हो गया. नेक्स्ट अकाउंट फ्रेंड्स, यू से अतुल अकाउंट, आई से अतुल अकाउंट. सो आई हैव अतुल अकाउंट. नेक्स्ट आइटम बताओ बेटा. ड्रॉइंग्स अकाउंट.
Anything else apart from that? No, okay, very good. Can we go ahead now? Are you ready? Yep. Here we go. Chalo, read it. Cash to capital. So cash ke debit side mein. Dekho, please everyone. Date diye kya? Kya date hai? 1st Jan 2004. So I'll write down to cash. Hey, the like. To capital account. कितना आएगा बेटा? 15. पहली एंट्री. सभी को समझ में आई है बेटा? अभी पोस्टिंग का मीनिंग सीखो. ये मैंने जर्नल का पोस्टिंग इधर किया, इसका और एक इफेक्ट जाता है. कैश के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में. कैपिटल के क्रेडिट में जाके क्या लिखोगे? बाय कैश. डेट सेम रहेगी, 1/1/2004 बाय कैश अकाउंट. टेल मी हाउ मच? 15,000. डन. पहले वाले को टिक मार्क कर दो. अगला क्या है? परचेज टू अतुल. सो कम डाउन टू परचेस अकाउंट. परचेस के कौन से साइड में? परचेस अकाउंट डेबिट बोला है तो परचेस के डेबिट में व्हाट विल आई राइट डाउन? टू अतुल. 8 Jan 2004 आई विल राइट डाउन टू अतुल अकाउंट. आई विल राइट डाउन द फिगर 2100. एंट्री द परचेस टू अतुल. अतुल को क्या हुआ है? क्रेडिट. सो कम डाउन टू द अतुल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड आई विल राइट डाउन 8/1/2004 बाय परचेसेस. कितना है बेटा? 2100. यस, नेक्स्ट फिगर प्लीज. ड्रॉइंग्स टू कैश. सो ड्रॉइंग्स के कौन से साइड में? ड्रॉइंग्स के कौन से साइड में? डेबिट साइड. सो कम डाउन टू ड्रॉइंग्स डेबिट साइड एंड राइट डाउन टू कैश. व्हाट इज द डेट बेटा? 12th Jan. टू कैश. हाउ मच फ्रेंड्स? 200. तो कैश के कौन से साइड में जाओगे? क्रेडिट साइड. सो कम डाउन टू द कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय व्हाट? ड्रॉइंग्स. सो आई विल राइट डाउन 12 Jan 2004 बाय ड्रॉइंग्स. क्या अमाउंट है बेटा? 200. कैन आई हैव द नेक्स्ट अमाउंट बेटा? अतुल टू कैश. सो कम डाउन टू द अतुल अकाउंट डेबिट साइड. व्हाट इज द एंट्री माय डियर फ्रेंड? 15th Jan 2004. आई विल राइट डाउन टू कैश. हाउ मच? 1500. इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट साइड. बाय अतुल अकाउंट 1500. डन. कौन सा बेटा? परचेस टू कैश. सो वील गो टू विच अकाउंट? परचेसेस अकाउंट डेबिट साइड. डेट इज 24 Jan. I write down to cash 800. Give me the second effect. Cash account credit side by purchases. Can I have the figure?
800. ठीक है, अगला आइटम कौन सा? कैश टू कैपिटल। सो कैश के डेबिट साइड में डेट इज 28 जैन 2004। आई विल राइट डाउन व्हाट टू कैपिटल, हाउ मच? 1200। एंड विच कैपिटल के विच साइड? क्रेडिट साइड। सो आई विल राइट डाउन 28 जैन 2004 बाय कैश। कैन आई हैव द फिगर? 1200। या गेट टू द नेक्स्ट आइटम। बॉट गुड्स रुपीज 1000 फ्रॉम अतुल ऑन क्रेडिट। सो वेयर डू आई गो? परचेस अकाउंट। सो परचेस अकाउंट 31,4। आई विल राइट डाउन टू अतुल, हाउ मच? 1000। व्हाट वुड बी द सेकंड इफेक्ट? अतुल के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस, हाउ मच? 1000। डू यू गेट माई पॉइंट? भरोसा मानिए मेरा, आपको पोस्टिंग के लिए जर्नल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट करनी पड़ेगी। दैट इज द स्किल सेट यू हैव टू गेट इन यू। तो उसके लिए जर्नल एंट्री विजुअलाइज करो एंड डू द पोस्टिंग, ऐसे करना होता है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू? यू कैन नॉट मेक जर्नल एंट्रीज एंड डू पोस्टिंग। अभी तो समझाने के लिए ठीक है, आपको कौन से लेवल तक आना होगा? डायरेक्टली पोस्टिंग करते आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी इधर आओ। कैश अकाउंट, बेटा मैं अभी आपको बता देता हूं, कैश इज एन असेट, यस और नो? हिंट दे रहा हूं, अभी थोड़ा सा एनालिसिस सिखा रहा हूं। कैश इज एन असेट, इट विल डेफिनेटली हैव डेबिट बैलेंस। कैश इज एन असेट, असेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, तो इसको डेबिट बैलेंस होना चाहिए। आप देख लो डेबिट की टोटल ज्यादा है, चेक करो। सो कितनी है? 16200, और माइनस करेंगे। सो बेटा जी, इस मंथ के एंड में 31 जैन 2004 आई विल हैव टू राइट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन इज व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस। कैन यू गिव मी द फिगर? 13,000। यस, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ये टोटल हुआ। इसके बाद में क्या करते हो आप? 1, 2, 4, ये क्या है सर? ओपनिंग बैलेंस इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। से यस। 1, 2, 2004 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 13,700। अब जब ये टैली हुआ तो कितना हुआ बेटा? 16,200। इसकी टोटल लेना हमने, इसको टोटल टोटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैली होना। और जो बैलेंसिंग मतलब जो साइड कम है उस तरफ लिखना है ना। कैन वी नाउ मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट, माधव कैपिटल, व्हाट इज द टोटल? 16,200। सो व्हाट डेट आई शुड राइट डाउन? 31 जैन 2004 टू बैलेंस व्हाट? कैरिड डाउन। ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग। कितना लिखूंगा? 16,200, ये टोटल हो गई 16,200 and 16,200, एंड ओवर हियर आई विल राइट डाउन 1, 1, 2, 2004 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैन आई हैव द फिगर? 16,200। डू यू गेट माई पॉइंट? यस। आज नेपाल किधर बैठा है? अच्छा इधर, मुझे दिखा क्यों नहीं। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ, परचेसेस। टेक अप द टोटल ऑफ परचेसेस।